हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंथेसिस का पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्लास करा दी है, जो आप उसे भी देख लेंगे। तो देखें, पास्ट पार्टिसिपल, इसकी हिंदी में हुआ हुए शब्द लगा होता है। यह कैसा कैसी का उत्तर देता है। यह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया जाता है। नोट देखें बेटा, जो शब्द कैसा कैसी का उत्तर देता है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। देखिए मिस्टेक हो गई है, लगाकर लिखा हुआ है तो मतलब है बेटा लगा देते हैं। जो शब्द कैसा कैसी का उत्तर देता है उसी की हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, I saw a man, he was bonded। तो देख इसका अर्थ बेटा, आई माने मैंने, शो माने देखा, ए मैन एक व्यक्ति, ही मान वह, बाज माने था, बाउंडेड माने घायल। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह घायल था। तो बेटा देखें, मैंने कैसा व्यक्ति देखा, तो मतलब बेटा मैंने घायल व्यक्ति देखा। तो हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है बेटा, मैं आपको शॉर्ट का तरीका बताना चाहूँगा, जो दूसरे वाक्य की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पहले वाक्य के नाउन से पहले लिखते हैं। ऐसे समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले शब्द को, दूसरे वाले लास्ट वाले शब्द को पहले वाले वाक्य के लास्ट शब्द से पहले लगा देते हैं। देखो पहले वाक्य का लास्ट शब्द है बेटा मैन, और दूसरे वाक्य का लास्ट शब्द है बेटा बाउंडेड। तो इस बाउंडेड को हम मैन से पहले लगा देंगे, वाक्य बन जाएगा। तो देखो जैसे आई शॉ ए बाउंडेड मैन, आई माने मैंने, शॉ माने देखा, ए बाउंडेड मैन मैंने एक घायल व्यक्ति देखा। ऐसे ही देखो दूसरा वाक्य, आई हैव ए कोट, आई माने मैं है मान रखता हूँ, ए माने एक कोट मान कोट, मैं एक कोट रखता हूँ। इट वाज टाटर्ड, इट माने है कोट, वाज माने था, टाटर्ड माने फटा हुआ, यह कोट कैसा था बेटा फटा हुआ। मैं कैसा कोट रखता हूँ बेटा फटा हुआ। तो बेटा टाटर्ड शब्द को पहले, यानी पहले वाक्य का कोट दिया गया है, तो इस टाटर्ड शब्द, टाटर्ड लास्ट शब्द है और कोट भी लास्ट शब्द है। तो हम दूसरे वाले लास्ट शब्द को पहले वाक्य के लास्ट शब्द से पहले लगा देंगे, अंतिम शब्द से पहले। तो देखो बनाइए ऐसे, आई माने मैंने, या आई माने मेरे पास, है माने है, ए माने एक टाटर्ड कोट, तो टाटर्ड कोट का लगा दिया पहले वाक्य के लास्ट शब्द से पहले। कोट की अंग्रेजी बेटा गलत है, सी ओ ए टी है, वही कर लेंगे। अगला शब्द, अगला है बेटा वाक्य आपका, आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट। तो देखें आई मन मुझे, फाउंड मान मिल गया, माई पर्स अपना पर्स, इट मान है वाज लॉस्ट मान खोया हुआ था, मुझे अपना पर्स मिल गया, यह खोया हुआ था। तो इसको हम देखेंगे, मुझे खोया हुआ अपना पर्स मिल गया, अर्थात मुझे अपना पर्स खोया हुआ मिल गया। कैसा पर्स मिल गया बेटा, खोया हुआ। तो पर्स है बेटा लास्ट शब्द पहले वाक्य का, और लॉस्ट है इधर। तो हम क्या करेंगे, जो लॉस्ट शब्द है उसको पहले वाक्य के पर्स जो लास्ट शब्द उससे पहले लगा देंगे। तो देखो लगाओ, केवल दूसरे वाक्य से केवल लास्ट शब्द ही लिखते हैं बेटा, और कुछ नहीं लिखते हैं। देखो आई फाउंड माई, माई के बाद मैंने पर्स से पहले लगा दिया, लॉस्ट पर्स, क्लियर। आगे देखो चौथा एग्जांपल, मिस्टर सोलंकी इज ए लेक्चर, ही इज रिटायर्ड। मिस्टर सोलंकी इज माने है ए लेक्चरर, लेक्चरर एक प्रवक्ता। ही मानो वह, इज मान है रिटायर्ड मान रिटायर्ड, वह रिटायर्ड है। तो इसको देखेंगे, पहले वाक्य का लास्ट शब्द बेटा लेक्चरर और दूसरे का बेटा रिटायर्ड। तो ऐसा वाक्य है सैंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाक्य का लास्ट शब्द है उसको पहले वाक्य के लास्ट शब्द से पहले लगा देंगे अंत में। तो रिटायर्ड को हम कहाँ लगा देंगे, लेक्चरर से पहले। तो देख, मिस्टर सोलंकी इज ए रिटायर्ड लेक्चरर। जो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुँच जाए।